जो अभी 2 महीने बाद प्रीलिम्स होने वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वो कैसे प्रिपेयर करें प्रीलिम्स को, उसके बारे में कुछ एडवाइस दे सके आप? मुझे तो एक ही रूल समझ में आता है प्रीलिम्स क्लियर करने का, कोचिंग का एक टेस्ट सीरीज लो, और वहाँ पे टेस्ट सीरीज लेना मतलब जाके मार्केट में खरीदना एक्चुअली चाहिए। अब तो मेंस लिखने का कोई मतलब नहीं है प्रीलिम्स के बाद ही, अगर 24 के अटेम्प्ट की बात करें। कैसा गया आपका इंटरव्यू? बढ़िया था। सर आप अपना थोड़ा नाम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हो बता सकते? नाम आकाश है, बिलोंग करता हूँ मैं ईस्टर्न यूपी, बलिया एक जगह है वहाँ पे, और एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन करा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, और मेरा मास्टर्स है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड सर आपका अटेम्प्ट कौन सा था और मीडियम कौन सा था? 4th अटेम्प्ट इंग्लिश। हाँ सर, जब आप इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पुट अप किया गया कि आपको लगा यस ये मेरा क्वेश्चन है, ये मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो आपने उसका जवाब दिया हो? लगभग सारे क्वेश्चन वैसे ही थे यार, मेरे सारे डेफ वाले ही थे क्वेश्चन। मुझसे पूछा गया बॉक्सिंग के बारे में, मुझसे पूछा गया मेरे, मैं किताबें पढ़ता हूँ उसके बारे में, मुझसे पूछा गया पॉलिटिकल साइंस के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो ये सारे मेरे डोमेन ही है, मतलब मेरे ग्रेजुएशन से या मेरे हॉबी से मैच करते हैं ये। एंड सर लाइक आपका ऑप्शनल क्या था और ऑप्शनल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपके? ऑप्शनल PSIR था, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, और PSIR से एक तो उसके इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पूछा गया था कि, और स्पेसिफिकली नागालैंड के बारे में, और इंटरनेशनल रिलेशन में एक क्वेश्चन था मेरा ये कि इसराइल हमास जो इशू चल रहा है उसके बारे में। एंड सर ओवरऑल इंटरव्यू तो आपका डेप बेस्ड था, और करंट बेस्ड से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए आपके इंटरव्यू में? 2 क्वेश्चन थे एटलीस्ट, और ये इसराइल हमास था, और सुप्रीम कोर्ट का आज ही एक जजमेंट आया है, एक JMM का ब्राइबरी केस का था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसके बारे में। उसके बारे में सर क्या क्वेश्चन पूछा गया? वह क्वेश्चन उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया कि आज जजमेंट आया है, उसके बारे में कुछ पता है, कुछ अच्छा न्यूज, तो ऐसे स्टार्ट किया उन्होंने। उत्तर भारत में किसी स्टूडेंट से पूछें क्या बनना चाहते हो, एक ही जवाब मिलता है, यूपीएससी सीएससी क्रैक करके IAS IPS बनना चाहता हूं। और इस समय जो मूवी आई है, जो दौर आया है सोशल मीडिया का, इसने ये बता दिया है कि कोई भी व्यक्ति IAS और IPS बन सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब कोई स्टूडेंट इस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ता है, फिर आती है कोचिंग इंडस्ट्री, जो कहती है कि अगर आप अपने सपने को सच करना चाहते हैं तो लाइए 1-2 लाख रुपए दीजिए, और ऐसे में बहुत से बच्चे अपने सपने को छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसे ही हुआ है या किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं तो उन्हें रिजल्ट मित्रा YouTube चैनल के विषय में बताइए, जहां पर पैसा नहीं मांगा जाता, आपका समर्पण मांगा जाता है, और इस चैनल पर जो क्लास शुरू होती है वो अंत तक फ्री रहती है। आप इस चैनल पर जाएंगे तो कंटेंट की क्वालिटी इतनी शानदार है कि आपको देखकर मजा आ जाएगा। एंड सर जैसे हम रील्स में देखते हैं कि काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन था जो अजीब सही लगा एकदम? मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा कुछ, मेरे लास्ट इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ डेफ रिलेटेड ही था वो। एंड सर जैसे आपने बताया कि आपका ये 4th अटेम्प्ट है, तो जो अभी 2 महीने बाद प्रीलिम्स होने वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वो कैसे प्रिपेयर करें प्रीलिम्स को, उसके बारे में कुछ एडवाइस दे सके आप? मुझे तो एक ही रूल समझ में आता है प्रीलिम्स क्लियर करने का, टाइम इन्वेस्ट करो बहुत ज़्यादा, टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, और बार बार रिवाइज करो, एक नोट एक रिसोर्स पकड़ो, बार बार रिवाइज करो। एंड सर करंट के लिए, करंट अफेयर तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है स्टूडेंट को, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? किसी भी एक इंस्टीट्यूट का मैगजीन पकड़ लो, 365 करके बहुत सारे आते हैं, तो एक साल के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा सफिशेंट है वो। एंड सर टेस्ट सीरीज जो मेंस लिखने के लिए, टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, और कैसे आदमी जो है टेस्ट सीरीज के लिए स्टार्ट कर सकता है लिखना? टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मेंस के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे स्टार्ट कर सकता है, किसी भी कोचिंग का एक टेस्ट सीरीज लो, और वहाँ पर टेस्ट सीरीज लेना मतलब जाके मार्केट में खरीदना एक्चुअली किसी भी कोचिंग से, और इसको चेक करवाना, रिव्यू करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सर कई कई स्टूडेंट जो है सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, तो वो कैसे अपना जो है इवेलुएट करें कि वो सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं मेंस में, उसका कुछ टिप्स? मेंटोर कंपलसरी है मेरे हिसाब से, और अगर मतलब वर्स्ट केस में अगर बस सेल्फ इवेल्यूएशन ही करना पड़ रहा है तो बॉडी इंट्रो कंक्लूजन, और उसके बाद कि उसको कितना एम्बेलिश कर सकते हो फैक्ट्स से डेटा से जो भी है। एंड सर आपका टाइम टेबल कैसा था वो बता सके? इस टाइम पे तो बहुत बुगड़ा हुआ है, पर इन जनरल मतलब न्यूज़पेपर से स्टार्ट किया, और फिर फर्स्ट हाफ कोशिश करूँगा, मतलब पूरे दिन मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, जब मैं मेंस प्रीलिम्स के लिए पढ़ता था तो एक सब्जेक्ट को कवर कर रहा था प्राइवेटली में। एंड सर स्टूडेंट्स को क्या प्रीलिम्स लिखने के साथ ही मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, या पहले प्रीलिम्स क्लियर करना चाहिए उसके बाद मेंस लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए? डिपेंड करता है टाइम कितना है आपके पास, अगर इस समय आप देखोगे
तो प्राइमरीली आपको प्रीलिम्स पे ध्यान देना चाहिए, अब तो मेंस लिखने का कोई मतलब नहीं है। प्रीलिम्स के बाद ही अगर 24 के अटेम्प्ट की बात करें पर आप 25 दे रहे हो तो बहुत सारा टाइम है, प्रीलिम्स मेंस दोनों करो आप। एंड सर स्टैंडर्ड्स बुक तो सबको पता है, आपने अपने लिए कौन कौन से बुक्स इस्तेमाल करें या कुछ ऐसा बता सकें? वही स्टैंडर्ड ही किया है मैंने, उसको बार बार रिवाइज़ करना और वो बहुत ट्रबलिंग पेन स्टेकिंग टास्क है, उसको करना है। एंड सर जब हम मॉक्स देते हैं तो मॉक्स और यहाँ के इंटरव्यू में कितना फ़र्क रहता है? यार मॉक में वो बहुत सारे कैमरा वैमरा लगा के रखते हैं, एक तो वो स्ट्रेसिंग पार्ट आ जाता है, दूसरा मॉक्स में मैंने जो देखा है कि इशू ये रहता है वो सवाल बहुत यूनिक अजीब अजीब से सवाल लेके आते हैं, ये बहुत जनरल डिस्कशन होता है और प्राइमरीली डैप बेस्ड होता है, एटलीस्ट मेरे तो एक्सपीरियंस 2 साल के यही रहे हैं। एंड सर जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? टाइम इन्वेस्ट करो और लंबे बैठे के लिए तैयार रहो, मोस्ट प्रॉब्ली सिलेक्शन हो जाएगा या कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सर, हम उम्मीद करेंगे कि आपका हो जाएगा।